नमस्कार, मैं हूँ शिवानी कश्यप और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन। और आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं। एक नया गाना आप सिम्बा के साथ आ रही हैं। जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। गाने का नाम है आई स्वेर कि तेरे नाल प्यार हो गया, विच इज़ अ वेरी क्यूट लव सॉन्ग। और सिम्बा नागपाल जो छाए हुए हैं आजकल न्यूज में भी, और बहुत बड़े रियलिटी शो के कंटेस्टेंट रह चुके हैं बिग बॉस के, तो यस, ही इज़ फीचरिंग इन द सॉन्ग। अंश भी हैं, शी इज़ ऑल्सो फीचरिंग इन द सॉन्ग। और गाना बहुत ही क्यूट है, आप सुनेंगे भी तो आपको बहुत मज़ा आएगा और देखने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो गाना किस मूड का है, कहाँ शूट हुआ है? ये शूट हुआ है ना प्लेस कॉल्ड सेट्स इन द सिटी जो भिवंडी में है, यहाँ से 2 घंटे दूर एक जगह है जहाँ पे आपको बहुत सारे मल्टीपल लोकेशंस एक ही लोकेशन में मिल जाते हैं। तो अगर आप इटली को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं या राजस्थान को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं या फिर मुंबई को या फिर गुजरात को या फिर राजस्थान के बहुत सारे महलों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आपको कोई भी आपको मल्टीपल एक्सपीरियंसेस इन वन मिल जाते हैं वहाँ पे। तो किस मूड का गाना है आपने बताया? तो ये बहुत एक इट्स अ सॉन्ग ऑफ अ वेरी वेरी यंग गर्ल जिसको क्रश हो जाता है एक लड़के के ऊपर। एक सिम्बा इज प्लेइंग अ स्टार, वो ऑलरेडी एक सुपरस्टार हैं, तो वो इस गाने में एक ऑलरेडी एक सुपरस्टार प्ले कर रहे हैं। और एक जैसे असिस्टेंट प्रोडक्शन होती है ना, जो फिल्म प्रोडक्शन में असिस्ट करती हैं, तो वो बिहाइंड द सीन्स हैं, उनको देख रही हैं और उनको उनके ऊपर क्रश हो जाता है। सो दैट्स व्हाट इट इज़, इट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द गर्ल और आवाज़ मेरी है, तो इट्स फन। एक लाइन अगर आप गुनगुना पाए। आई स्वेर कि तेरे नाल प्यार हो गया, आई स्वेर कि बस दिल बार हो गया, आई स्वेर कि तेरे नाल प्यार हो गया। गाने के लिए और कोई बात जो आपको लगता है दर्शकों को पता होना चाहिए? जी, जैसे फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सिंगर मैं बात करना चाहूंगी कि पंजाबी आजकल आपको पता है कि बहुत ट्रेंड में है ये लैंग्वेज, और इस गाने की भी लैंग्वेज जो है पंजाबी हिंदी को मिक्स करके थोड़ा सा अर्बन पंजाबी की तरफ हम जा रहे हैं इस गाने में। और म्यूज़िक आपको बहुत मज़ा आएगा म्यूज़िक सुन के, क्योंकि इसका म्यूज़िक बहुत ही फ्लैमेंको स्पैनिश, आजकल 2 काइंड्स ऑफ म्यूज़िक बहुत ही ट्रेंड कर रहे हैं, विच इज़ स्पैनिश म्यूज़िक एंड पंजाबी म्यूज़िक। सो अगर उसका दोनों का ब्लेंड किया जाए तो ओहो, आई वुड से इट्स रियली अमेजिंग। तो वही रिजल्ट आया है इस गाने का, हमने स्पैनिश फ्लैमेंको म्यूज़िक के ऊपर, और गिटार मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है, तो बहुत अच्छे अच्छे लीड गिटार्स बजे हैं इस गाने में फ्लेमेंको स्टाइल में, विच आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट। आई एम वेरी हैप्पी विद द वे इट्स टर्न्ड आउट। बहुत ही टैलेंटेड सेट ऑफ म्यूजिशियंस ने इस गाने को बनाया है, पूरी टीम जो है वो चंडीगढ़ की है। एंड ये गाना मैंने लॉकडाउन में बनाया था और रिकॉर्ड किया था, और जब सेकेंड लॉकडाउन हुआ था उसके बाद तो आपको पता है कि बहुत सी मायूसी चारों ओर छा गई थी, और आई जस्ट थॉट कि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जब आप जितना म्यूज़िक बनाएं वो लोगों को हील ज़रूर करेगा, और हैप्पी म्यूज़िक बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज हमको अब हैप्पीनेस चाहिए अपनी लाइफ में। सैडनेस बहुत हुई, गुड बाय टू सैडनेस। तो ये गाना मैंने चंडीगढ़ में जाकर रिकॉर्ड किया, आई वॉज़ वेरी हैप्पी विद इट। और अभी इसके लास्ट मंथ मेरा गाना आया था नींद्रा, वो भी जी म्यूज़िक के साथ आया था, उसमें अभिषेक वर्मा ने फीचर किया था, जो आजकल नागिन में एक्टिंग कर रहे हैं और बहुत पॉपुलर टीवी एक्टर हैं। सो आई थिंक आजकल यही ट्रेंड है कि टीवी एक्टर्स दे कम इन द सॉन्ग ऑफ द सिंगर्स, और सिंगल में एक अच्छा क्रॉस प्रमोशन हो जाता है, सिंगर्स को भी अच्छी विजिबिलिटी मिल जाती है गाने की, एंड आई थिंक एक्टर्स को भी सिंगर्स की फैन बेस को मिल जाता है, सो इट्स लाइक अ गुड क्रॉस प्रमोशन एंड दैट्स व्हाट इट इज़। कि 15-17 साल पहले ऐसा चलन था ना, खूब सिंगल्स आते थे, एक्चुअली पहले एल्बम्स आते थे बहुत सारे, उसका एक दो म्यूजिक वीडियोस बनते थे, और वापस ये ऐसा आप फील कर रहे हो ये पुराना चीज एक बार फिर से गोल घूम के आया है? बिल्कुल बूम कर रहा है, स्पेशली पैंडेमिक के टाइम से तो दिस इज स्टार्टेड बूमिंग। कितने सारे सिंगल्स निकले हैं जिसमें आपने बहुत सारे जाने पहचाने चेहरों को देखा होगा, जैसे मोनी रॉय को मैंने बहुत देखा म्यूजिक वीडियोज में, जुबिन नौटियाल के वीडियो में देखा मैंने, फिर मीत ब्रदर्स के वीडियो में देखा, बहुत सारे सॉन्ग्स में उन्होंने फीचर किया और वो गाने काफ़ी हिट हो गए। तो आई थिंक लोगों को बेसिकली पीपल लाइक टू सी समथिंग विच इज़ विजुअली अपीलिंग विच साउंड्स गुड ऑल्सो, उनकी प्ले लिस्ट में बजते रहना चाहिए। तो आइडिया यही है कि अच्छा म्यूजिक बनाओ, अच्छा कॉन्टेंट बनाओ, और समटाइम्स इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि मूवीज तो बन नहीं रही थी, सीरियल्स भी बन नहीं रही थी ड्यूरिंग द पैंडेमिक, तो म्यूजिक वीडियोज़ और गाने जो थे वो आसानी से बन पा रहे थे। सो आई थिंक इट वॉज ईजियर टू मेक अ म्यूजिक वीडियो बिकॉज इट डिडंट नीड शूटिंग ऑफ 6-6 मंथ्स, राइट? उसमें बस 2 दिन की शूट होती है या 1 दिन की शूट होती है, गाना बन जाता है, गाना शूट हो जाता है।
शिवानी आप ना म्यूजिक में आप मल्टी टैलेंटेड है एक तरीके से, आपको कई इंस्ट्रूमेंट आप बजाती हैं, सिंगर हैं आप अपने आप में, फीचर भी होती हैं, एक्टिंग भी करती हैं। थैंक यू। मैं आपको बहुत कम रियलिटी शोज में देखता हूँ, ना के बराबर जज करते हुए, या क्यों आप दूर रहती हैं? एक्चुअली मैंने किया है यू नो सारेगामापा लिटिल चैंप्स का जो ग्रैंड जूरी की मैं थी उसमें, लेकिन बहुत कम, बहुत कम। हाँ, सो आई जस्ट टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे लगता है कि I don't know, I just feel that I cannot be a judge. मुझे ये लगता है कि वो जो कई कई टैलेंट को जो मैंने देखा है, वो इतने उम्दा टैलेंट आते हैं, एंड आई फील कि अरे यार हम इनको कैसे जज करें, दे आर सो गुड, बिकॉज हर नस्ल के साथ, हर जनरेशन के साथ जो टैलेंट है ना, वो और उभर के आता है। और आई थिंक बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन, इनफैक्ट इवन द किड्स, आप देखो कितना अच्छा गा रहे हैं वो, उनको जजिंग की ज़रूरत नहीं है, उनको गाइडेंस की ज़रूरत है बस, उनको मेंटरिंग की ज़रूरत है, उनको गाइडेंस, उनको हेल्प की ज़रूरत है, कि कैसे उनके टैलेंट को आप एक प्लेटफॉर्म दें, उनको गाने दें, उनको फिल्मों के गाने दें, या उनको एल्बम्स के गाने दें। आई डोंट थिंक हु आर वी, तो मुझे बहुत बारी लगा कि हम कौन है उनको मार्क्स देने वाले, तो मुझे इस बात से थोड़ी सी ऑकवर्डनेस फील होती है, ये मैं बहुत ओपनली कह सकती हूँ। आई थिंक ऑल्सो आई फील दैट यू नीड टू बी वेरी 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 सीनियर, बहुत बड़े दिग्गज अगर आप हो, लता जी जैसे या यू नो आशा जी जैसे, यू आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू पुट माई पॉइंट अक्रॉस, बट आई थिंक आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर आई कैन बिकम अ जज। आई कैन बिकम अ मेंटोर, आई कैन बिकम अ कोच, विच आई एम ऑलरेडी डूइंग यू नो, बट मुझे जज बनना थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। अच्छा, एक और चीज़ है रियलिटी शोज में, जो नन्हे नन्हे बच्चे आते हैं या मिड एज के आते हैं, सब लोग रियलिटी शो में आने के बाद कोई एक जीतता है, फिर किसी एक को स्टार्टअप मिलता है, कई बार ये भी बात होती है कि ये ठीक नहीं है बच्चों के लिए, और कुछ लोग कहते हैं बेहतर है ये रियलिटी शोज में बच्चों का आना, उनको जज करना या लगातार कई घंटों तक शूट करते हैं। आप रियलिटी शोज में बच्चों के भविष्य को किस तरीके से देखती हैं और म्यूजिक को किस तरीके से देखती हैं? सो रियलिटी शोज वैसे है तो बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म, यू नो स्पेशली फॉर द किड्स, क्योंकि एंड वो इतनी उनका कॉन्फिडेंस इज अमेजिंग, कॉन्फिडेंस लेवल्स आर ओ गॉश, इट्स एन एग्जांपल टू सी कि वो कैसे कॉन्फिडेंटली गाना गाते हैं, फील करते हैं गाने को, वो अच्छे अच्छों को भी मात दे सकते हैं, दे कैन गिव प्रोफेशनल सिंगर्स अ रन फॉर देयर मनी, टू बी ऑनेस्ट विद यू। तो जब वो वहाँ पे गाते हैं, एक तो आई थिंक सम ऑफ देम तो हिला के रख देते हैं पूरी ऑडियंस को, एंटरटेनमेंट तो है ही, बट उनका एक डायरेक्ट आई वुड से वहाँ के जो जजेस बैठे हैं, जो काफ़ी सीनियर जजेस जो हैं, वो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, जैसे कि हिमेश रेशमिया जी या विशाल ददलानी, आई एम जस्ट गिविंग यू सम एग्जांपल्स, आई एम श्योर अगर उनको उनकी आवाज़ पसंद आती है तो वो उनको इंस्टेंटली अपने सॉन्ग्स में यूज़ करते हैं, एंड वो एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो ही जाता है इन सिंगर्स के लिए। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, देखा जाए तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म, एंड ऑल्सो वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू प्रैक्टिस, यू नो आगे जाके उनको परफॉर्मर बनना है, उनको प्रोफेशनल सिंगर बनना है, एंड ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है टू डू अ ग्रेट प्रैक्टिस, टू गेट द ऑडियंस का रिस्पॉन्स इंस्टेंटली। आपको अगर एक मैजिकल पावर मिले जिससे आप सिंगिंग के क्षेत्र में बॉलीवुड में कोई बदलाव कर सकती हैं, तो वो कौन सा बदलाव आप करेंगी उस पावर से? मैं तो ये बदलाव करना चाहूँगी, मैं एक नहीं, मेरे बहुत सारे बदलाव हैं, लेकिन सबसे पहले कि यार ओरिजिनल म्यूजिक को लाओ यार, स्टॉप मेकिंग रीमेक्स एंड रीमिक्सेस, तो ये बदलाव मैं लाना चाहूंगी कि एवरी वन शुड कम आउट विद ओरिजिनल सॉन्ग्स। रीमिक्स तो आपने भी खूब किए हैं, रीमिक्स मैंने भी किए हैं, क्योंकि मैं भी आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, तो ये बदलाव मैं अपने आप में भी लाना चाहूंगी। लेकिन क्या होता है कि जब मैंने भी रीमेक किया, कई लोगों ने, जैसे सनम बैंड है, उनका रीमेक मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज हम लोग जब रीमेक करते हैं हम उसको एक बहुत डिफरेंट इंटरप्रिटेशन देते हैं, यू गेटिंग द पॉइंट, उसमें क्या होता है कि गाना जो है बिल्कुल डिफरेंट साउंड करता है। मेरा हाल ही में एक सॉन्ग आया था मेरे महबूब, जिसका मैंने बहुत ही उसमें म्यूजिक इतना डिफरेंट किया था कि कोई कह ही नहीं सकता कि ये मेरे महबूब सॉन्ग है, यू नो विच इज़ अ लेजेंडरी सॉन्ग बाय द लेजेंडरी किशोर दा। अगर आप रीमेक बनाएं भी तो उसको एक ऐसा नयापन दें या ऐसा यूनिक ट्विस्ट दें ताकि पीपल विल से ओ दिस इज़ डिफरेंट येट इट्स रिलेटेबल। बट मैंने बहुत देखा कि रीमेक्स जब लोग बनाते हैं तो बस उसकी थोड़ा सा बीट फास्ट कर देते हैं, टिक चिक, एंड अदरवाइज द होल ट्यून एवरीथिंग इज़ द सेम। सो एक तो, एंड ऑल्सो ओरिजिनल म्यूजिक अगर एक्सेप्ट होगा, लोग ज़्यादा सुनेंगे, तभी तो हम लोग बनाएंगे ना ओरिजिनल म्यूजिक। सो आई थिंक ओरिजिनल म्यूजिक बनना शुरू हो जाए, दैट्स ये एक बदलाव मैं चाहूँगी। आपकी वुमेन सिंगर क्रश कौन है? वुमेन सिंगल क्रश, ओह सिंगल क्रश,
सिंगर किस सिंगर ओ ओके सो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ डुआ लिपा. डुआ लिपा एक सिंगर है जिन्होंने बहुत सारे अमेजिंग सॉन्ग्स आजकल की वो हिट सिंगर हैं बट आई थिंक नॉट आई मीन आई रियली एडमायर हर. शी इज़ अ ग्रेट सिंगर कंपोजर परफॉर्मर लुकर एंड अ स्टाइलिस्ट आई वुड से फैशनिस्टा एज वेल. क्रश तो नहीं लेकिन मेरे को बहुत सारी सिंगर्स की आवाज़ें बहुत पसंद है. जैसे मुझे आई जस्ट थिंक दैट श्रेया घोषाल इज़ अमेजिंग. देर इज़ नो वन लाइक श्रेया घोषाल. आई थिंक शी इज़ इतनी मिठास है उनकी आवाज़ में. वो कुछ भी गाती हैं शी मेक्स इट सो स्वीट एंड सो मेलोडियस. और मेल क्रश बॉलीवुड अरिजीत सिंह. और हीरो रेट में कौन है आपका? इट्स ऑलवेज बीन ऋतिक रोशन. I'm so sad that he's married now, but I'm very happy that he's married my namesake Shivani. Okay. ये और female में actress? Well, actress is Alia Bhatt. I think she's the cutest, the most adorable actress and looker. I mean, she looks beautiful and she's the most amazing actress. I'll do that again. So Ritik kaha? Ritik Roshan is my all-time favorite. Greek god. Greek god. Yes. Okay. आने वाले दिनों में इस गाने के अलावा और कहाँ कहाँ कब कब नजर आएंगी या सुनाई देगी? Well, मैं बहुत सारे अभी वेब सीरीज का म्यूजिक बन रहा है और आई बीन अप्रोच टू सिंग फॉर इट. तो पंकज पराशर जी की वेब सीरीज है. आई डोंट नो उसका नाम क्या है और वो कब उसकी रिकॉर्डिंग होगी बट काम शुरू हो गया है तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. म्यूजिक बहुत ही अच्छा बन रहा है उसका.